गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं। एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर आज बात करेंगे, जो आज का करंट सिनेरियो हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ही देश नहीं, अगर हम बाहर की भी बात करें तो देश किस ओर जा रहा है। हम देख सकते हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर किस तरीके से अटैक होता चला जा रहा है। जो लगातार वॉर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा मारा जा रहा है इंसानियत के नाम पर। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी की, तो ह्यूमैनिटी की सेक को लेकर आज कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे कदम बढ़ा चुकी हैं। सिर्फ वो क्या चाहती हैं? पीस, शांति। जी हाँ, वो शांति चाहती हैं अपने देश में नहीं, बाहर की भी बात करेंगे। हमारे जो इंडियंस हैं वो वैसे भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, और अगर हम अपने इंडियंस की बात करें तो वो आज आगे आ चुके हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज एक ऐसी ही दो पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं, दे आर डॉक्टर्स। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अरुण मित्रा, लुधियाना से ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही डॉक्टर सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जरूर करना चाहूंगी। जी हाँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आईडीपीडी, इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार शांति के ऊपर बात करती हुई नजर आती है। डॉक्टर्स इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं शांति को लेकर, और अब एक और सेमिनार इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जहां पर सिर्फ हमारे देश से नहीं बाहर से भी डॉक्टर्स हिस्सा लेने जा रहे हैं। 1 दिसंबर को ये सेमिनार ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, और ये जो सेमिनार है ये किसके ऊपर बेस्ड है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। इट इज बेस्ड ऑन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द ऑन गोइंग वॉर्स, जो हम लगातार देख रहे हैं, जंग छिड़ी हुई है देशों में। शांति को लेकर, पीस को लेकर ये डॉक्टर्स इकट्ठा होना जा रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको सबसे पहले मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर अरुण मित्रा से। लेकिन एक चीज और बताएंगे यहाँ पर कि 1985, साथ ही साथ 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, ऑलरेडी हम बहुत बार जब आपके साथ रूबरू होते हैं, कई ऐसे सोशल इश्यूज पर हम बात करते हैं, लेकिन अगर जो आज के करंट सिनेरियो की बात करें तो पूरा देश आज जंग में घिरा हुआ नजर आ रहा है। ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं। जो आपका मोटिव है, जिस मिशन पे आप निकले हैं, हम चाहते हैं सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। हमारी जो राष्ट्रीय संस्था है, इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, हमारी संस्था एफिलिएटेड है इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर, जो कि 1980 में स्थापित हुई और 1985 में उसको पहला नोबेल पुरस्कार मिला। फिर 2017 में इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, एक और बड़ी संस्था में हमारी जो प्रमुख हिस्सेदारी IPPNW की, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसकी है, फिर उसको दोबारा नोबेल प्राइज मिला। तो दूसरी बार जो नोबेल प्राइज मिला वो उसमें मैं भी गया था ओस्लो में, आज से 7 साल पहले। पर ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारी संस्था दुनिया के बहुत सारे देशों में जो उसके एफिलिएट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पर IDPD, हम लोग शांति के लिए काम करते हैं, शांति की बात करते हैं, और शांति को हम ऐसे कोई एब्स्ट्रैक्ट में बात नहीं करते, शांति मेहनत से आएगी। बिना मेहनत से हम कहें जी कि हम सिर्फ ऐसे इच्छा करें, इच्छा से शांति नहीं आती। शांति के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है, और जो शक्तियां शांति को खराब करना चाहती है उनके खिलाफ बोलना पड़ता है और उनसे संघर्ष करना पड़ता है। आपने बात की कि आवाज उठानी पड़ती है शांति को बरकरार रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो आज का करंट सिचुएशंस चल रही हैं, तो जो आवाज बुलंदी से उठाते हैं उनकी आवाज को दबाया भी जाता है। आवाज की को तो दबाया ही जाता है हमारे देश में। अगर आप जैसे आजकल जो ज्यादा जो हो रहा है बड़ा युद्ध, वो तो मतलब गाजा पे हो रहा है। अब गाजा में 44,000 लोग मारे गए हैं इसराइल की फौज के द्वारा। उससे पहले हमास ने जाके हमला किया, उनके बंदे जो है बंधक बनाए, अभी भी 150 के करीब बंधक हैं, लेकिन इसराइल को उन बंधकों को छुड़ाने की कोई चिंता नहीं है। अगर वो चाहते तो सचमुच वो कोई और तरीके से बंधक सारे के सारे छुड़ाए जा सकते थे, लेकिन अब वो हैं भी या नहीं है, 1.5 साल हो गया ये युद्ध चल रहा है इसराइल के द्वारा आम साधारण नागरिकों पे, लेकिन बंधक उनको अभी तक नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? फिर भी वो जो है युद्ध जारी है, गाजा तो लगभग तबाह हो चुका है, 80% वहाँ का जो सारा ढांचा खत्म हो गया है, 44,000 लोग मर गए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे, 70% बच्चे और महिलाएं। तो ये बड़े दुख की बात है, छोटे छोटे बच्चे आप टीवी पे देखो ना कैसे दिखा। जब इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करते हैं, भारत के कुछ प्रांतों में
आपको स्टेज पे इसके बारे में बोलने नहीं दिया जाता, रैली नहीं करने दी जाती, आपकी गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ तक कि गुरुग्राम में अभी की बात है, एक इस पे एक जो सेमिनार रखा गया था उसको जोया हसन, एक इसकी JNU की प्रोफेसर, उन्होंने जाके एड्रेस करना था, वो सेमिनार कैंसिल कर दिया गया। उससे पहले जिंदल यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर अचिन है वनायक, जो कि शांति के लिए हमारे साथ ही काम करते हैं, वो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे, अब रिटायर्ड है, वो कैंसिल करना पड़ा। और कई जगह पे जहाँ इनकी सरकारें हैं भाजपा की, वहां पर इसके खिलाफ अगर आप बोलते हैं, युद्ध के खिलाफ कुछ नहीं आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि गाजा में या युद्ध ना हो, वो भी नहीं आप कह सकते। रीजन क्या है इसके पीछे? अगर शांति के लिए कोई आवाज उठाना चाहता है, कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं जो बेकसूर जो एक ह्यूमैनिटी का इंसान है वो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना हो, लेकिन ये अटैक क्यों हो रहा है और चुप करवाने का रीजन क्या है? देखो, अटैक तो अलग अलग वजह से होते हैं। हमारे देश में जो ये जो सरकार चल रही है, ये तो ये जो नैरेटिव ही आजकल इन्होंने जो सांप्रदायिक बनाया हो ना, ये उसका नतीजा है। ये समझते हैं कि इनका जो सारा जो है नैरेटिव वो तो एंटी मुस्लिम है। तो वो समझते हैं कि अगर गाजा में मुसलमान, आप किसी भी जनसंघी से बात कर लेना, वो यही कहेगा अच्छी बात है, मुसलमान को सीधा कर रहे हैं। हमें समझते हैं मुसलमान या हिंदू, ये कोई विषय नहीं है, हम सभी इंसान हैं। चाहे कोई जैनी है, चाहे कोई बौद्धी है, चाहे कोई सिख है या कोई ईसाई है, कोई भी है, इंसान है ना, सब इंसानियत के लिए हमें काम करना है। और युद्ध अगर होता है तो इंसानियत मरती है। आप आवाज उठा रहे हैं बीइंग एज अ डॉक्टर, आप इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो ये सेमिनार ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, सिर्फ हमारे भारत से ही नहीं, अब्रॉड से भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस सेमिनार का हिस्सा बनेंगे। सर, पहले जो रशिया और यूक्रेन की हमने लड़ाई देखी थी, एक बहुत लंबे टाइम तक चली, जो आज भी कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही, सर क्या लगता है, क्या उन चीजों से भी कहीं ना कहीं लोगों को कोई शिक्षा नहीं मिलती बिल्कुल? बिल्कुल, आप रूस जो यूक्रेन में जो हो रहा है युद्ध, उसमें लाखों लोग विस्थापित हो गए, 60 लाख के करीब जो लोग हैं वो अपने देश के अंदर जो ही विस्थापित हैं, कई तो और जगह पे जाके रह रहे हैं। 1 करोड़ के करीब लोग यूक्रेन छोड़ के विदेशों में जाके विस्थापित हुए पड़े हैं, कितने ही मर गए हैं। जो उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जिसके बारे में ये संधियां हैं कि अस्पताल इत्यादि पे हमला नहीं किया जाएगा, उसमें हमले हो रहे हैं यूक्रेन में या मतलब गाजा में। कुछ कंपनियां हैं जो कि हथियार बना रही हैं और हथियार बेच के मुनाफा कमा रही हैं। ये जो कंपनियां हैं वो नहीं चाहती कि युद्ध समाप्त हो, उनका मुनाफा है। अगर बर्फ वाला मेरा कारखाना है तो मैं कहता हूँ कि खूब गर्मी पड़े ताकि मेरी बर्फ बिके, और जो होजरी वाला कहता है कि खूब अगर सर्दी ना पड़े, वो कहते हैं हमारा तो माल नहीं बिक रहा। यही है ना। ये माल मतलब ये कोई कंज्यूमर आइटम थोड़ी है, हथियार। हथियार इज अ वेपन टू किल एंड वी डोंट वांट दिस, ये हमें नहीं चाहिए, शांति होनी चाहिए, इसके लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। सर, आपके पास हम वापस आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर सूरज भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, बीइंग एज अ यंग डॉक्टर, जो हम देख रहे हैं आज की सिचुएशंस आप भी देख रहे हैं, तो जो अटैक्स हो रहे हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? अब डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं, तो अगर आई थिंक आपको लगता है कि हर एक प्रोफेशन से कोई बाहर निकल के आम नागरिक आता है सामने, तो एक जो आवाज आप पहुंचाना चाहते हैं वो दूर दूर तक, सिर्फ हमारे देश के नहीं, हर एक इस इंसान तक पहुंचेगी जो आज इस लड़ाई का हिस्सा बना हुआ है। जी मैम, जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो वॉर चल रही है आसपास देशों के अंदर, जैसे अभी इसराइल आराम से पार्टी कर रहा था जब उस पर हमास ने अटैक किया, तो उनको कोई आइडिया नहीं था, दे हैव नो आइडिया कि उनके ऊपर अटैक होगा, उनको ऐसे बच्चों और औरतों को उठा के ले जाएंगे। तो जैसे अभी वॉर चल रही है, अभी थोड़े दिन पहले ही जैसे इन्होंने ईरान ने जो मिसाइल छोड़ी है इसराइल के ऊपर, तो एक पैसेंजर प्लेन निकल रहा था उसने वो लाइव मिसाइल देखी है हवा में, तो उनके मन में कितना डर हुआ कि और वो मिसाइल बाई चांस वो प्लेन के पास टकरा जाए तो कितना डर होता है। तो इसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं होती कि कब वॉर हो जाए, कब ये अटैक हो जाए, कब ये मिसाइल छूट जाएगी। जैसे हमारा जो ग्रुप है इंडियन डॉक्टर पीस एंड डेवलपमेंट, ये इसमें बिलीव करता है कि जो वॉर चल रही है ये नहीं होनी चाहिए, और इस वॉर के जो कॉन्सिक्वेंस जो रिजल्ट होंगे ये और भी भयानक हो सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर मिसाइल का कभी अगर प्रयोग हो जाए तो उससे कितनी जाने जाएंगी वो किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। एक देश में गिरेंगी पर जो आसपास के जो उस देश के साथ जो सिटीज लग रही हैं, जो मोहल्ले लग रहे हैं, वो भी जल के खाक हो जाएंगे। उससे जो पोल्यूशन पैदा होगी उस पोल्यूशन को हम नहीं बटोर पाएंगे। जो ये तो हमारा ग्रुप में जो ये हम यही मैसेज देना चाहते हैं, हम हर बार जो भी
ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हमारा जो ग्रुप है, कुछ हम मेंबर्स हैं जैसे हम सर हैं, इनकी इनकी हम साथ चल के जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं जाके हम प्रदर्शन देते हैं, नहीं होनी चाहिए, हम टाइम निकालते हैं, सभी डॉक्टर्स हैं, अच्छे ग्रुप हैं, तो अपना हम टाइम निकाल के पेशेंट को थोड़ा होल्ड करके, अभी भी जैसे सर की ओपीडी के पेशेंट के टाइम बैठे हुए हैं, तो वही हम अपना टाइम निकाल के होता है कि ये चीजें दुनिया जहान में नहीं होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए। और बींग अ डॉक्टर हमें ये सिखाया गया है कि हम किसी भी जातिवादी में नहीं बिलीव करते हैं, तो हमें उसको ट्रीटमेंट करना है, तो हमें खुद को जब कोई ऐसी वॉर होती है, कहीं बम ब्लास्ट होता है, तो खुद को बड़ा ठेस लगती है कि उसके कैसे बर्न होंगे, कितनी उनकी जानें चली होंगी। जैसे अभी पहले इसमें मिसाइल्स कितनी छोड़ी है इसराइल ने हॉस्पिटल के अंदर, फलस्तीन के अंदर कितनी छोड़ी है, तो वो हॉस्पिटल में जितने बच्चे थे जो कोई एडमिट थे, उन्होंने तो ये देखा कि वहां पे उनके जो सोल्जर्स थे उनको किल करना है, पर उन्होंने ये नहीं देखा वहां पे कितने बच्चे एडमिट, कितनी औरतें, उन्होंने सबको मार डाला उन्होंने। तो ये जब हम देखते हैं दर्दनाक भयानक ये हिस्से हम सुनते हैं, तो इमेजिन करके खुद की रूह को रोना आ जाता है। यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी की मिसाल आप सब बनते हुए नजर आ रहे हैं आज की डेट में। अगर हम अपनी बात करें अपनी कंट्री की, हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि हम तो सेफ है, वी आर सेफ, तो हम क्यों आवाज उठाएं? बाहर लड़ाई हो रही है, हम क्यों बॉर्डर करें? लेकिन आई थिंक एक ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आप सब प्रूव हो रहे हैं कि इंडियन डॉक्टर्स हिस्सा बन रहे हैं इंटरनेशनल सेमिनार का। तो क्या एक ऐसा मैसेज है जो दुनिया तक आप पहुंचाना चाहते हैं अपनी आवाज से, और हर एक उस इंसान से, सिर्फ भारत की अगर बात करें, हर नागरिक तक अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इस सेमिनार के थ्रू? मैम हमारा यही मेन मोटिव रहता है, जैसे हमारे ये जो सेमिनार जो दिल्ली में होने जा रहा है 1 दिसंबर को होने जा रहा है, अलग अलग देशों से डेलीगेट्स आ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, इंडिया से हम बहुत डॉक्टर हैं, तो हमें यही होता है कि भाई पीस जो है वो एक साथ एकजुट होके ही हो सकती है। और एक अगर हम एक एक हाई प्रोफेशनल जो पढ़े लिखे लोग जो थोड़े ज्यादा होते हैं, बीइंग अ डॉक्टर अगर ज्यादा ये लोग हम जब आगे आएंगे तो सोसाइटी में इसका अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज ही फैलेगा, तो हम लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये हेल्थ प्रमोट हो और जो वॉर्स चल रही है ये ना हो बिल्कुल ही। अभी मैं थोड़े टाइम पहले टर्की गया था, तो जैसे मैंने ये आपको मिसाइल वाला बताया कि जब ईरान ने छोड़ी है इसराइल के ऊपर, तो मेरे मन में भी डर था कि भी क्योंकि टर्की इज नियर अबाउट टू ईरान, उसके बीच में है, तो मैं भी जब अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करता मेरे मन में भी डर रहा था, और फैमिली बोलती मत जाओ कि भाई मिसाइल ना मिल जाए, फिर भी हम गए, पर फिर भी एक डर तो होता है ना, फोबिया लेके हम चल रहे हैं, और मैं आज प्लेन के खिड़की में देख रहा हूँ कोई मिसाइल तो नहीं दिख जाएगी क्या, तो ये हम चाहते हैं कि किसी के मन में ये डर ना हो, कोई भी अगर ट्रैवल कर रहा है कहीं पे भी वर्ल्ड में, कहीं पे भी जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, थ्रू एयर थ्रू चाहे जैसे मैं शिप से जा रहा है, तो एक 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 अच्छा हमें इन्वायरमेंट चाहिए, और जो हमारी धरती है उसको भी फलने फूलने का मौका मिले। यंग डॉक्टर, आप उन सारे यंग डॉक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस पीसफुल मिशन का वो हिस्सा बने, ताकि कहीं ना कहीं जो हम आज सारा सिनेरियो पूरे वर्ल्ड का देख रहे हैं, शांति चाहते हैं, तो वो शांति इसी तरीके से बनी रहे। तो बीइंग एज अ यंग डॉक्टर, उन यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? यंग जैसे मैंने ये ग्रुप अभी आई थिंक 7 और 8 ईयर्स हो गया मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी एक एनजीओ है हमारी, जिस कई डॉक्टर्स को मैंने अपने जूनियर्स को इसमें एनरोल किया हुआ है, तो वो खुद ही बोलते हैं इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता है, हम खुद अपना टाइम निकल कैंप्स लगाते हैं, जैसे किसान मेले पीएयू में हम बहुत कैंप्स लगाते हैं, और हम एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, तो जितने भी डॉक्टर्स को फैमिली मेंबर्स को जो भी कोई देखता है कि हाँ ये इतना अच्छा काम करे बींग यंगस्टर, और यंगस्टर में ही थोड़ी विल पावर थोड़ी ज्यादा होती है भागने की, तो जो ऐसे काम होता है तो हमें होता है कि यंगस्टर जो डॉक्टर है वो हमारे साथ जुड़ के चले। और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ चुके हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल मैसेज भी उनके थ्रू आपको मिलता होगा। एग्जैक्टली मैम वो तो है ही, हमें तो बहुत सीखने मिलता है। एक बार अरुण मित्रा जी के पास वापस जाते हैं। सर ये जो सेमिनार है, जिस तरीके से डॉक्टर सूरज ने एक बहुत अपीलिंग मैसेज दुनिया तक पहुंचाया है कि किस तरीके से हम आवाज उठा के सिर्फ इन वॉर्स को कहीं ना कहीं थाम सकते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सारे डॉक्टर्स हिस्सा बन रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, हेल्थ के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो 1980 का जो दशक था ना, दुनिया में 80,000 परमाणु हथियार थे, आज 13,000 हैं। 1980 के दशक में लेकिन दुनिया भर में लाखों लोगों के प्रदर्शन होते थे, उसके कारण ये हथियार कम हुए। आज कहाँ है प्रदर्शन? नहीं है ना, आवाज कमजोर है लेकिन बहुत कम है, इसलिए आवाज जो अब हम उठाएंगे तो सरकारों पे दबाव पड़ता है, वो फिर इस किस्म के कदम उठाती हैं कि हथियारों पे पाबंदी लगे, खास तौर पे जो परमाणु हथियार है उन पे पाबंदी लगे, क्योंकि ये तो अति घातक हथियार है ना, ये तो मानवता को समाप्त करने वाले, केवल मानवता ही नहीं समूची जो जीव प्रणाली को अंत करने वाले हथियार है, इनका तो प्रयोग बिल, इसलिए हमारे ये
मतलब पहुंच रही है। हम तो सबको कहते हैं आप धीरे धीरे लोग ज्वाइन करते हैं, कईयों को अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अलग बात है कितने लोग आते हैं, पर आवाज उठती रहनी चाहिए। सर इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि 1 दिसंबर को है ये, एंड हम चाहते हैं कि सारे डॉक्टर्स तक, क्योंकि अभी ये डॉक्टर्स इस मिशन का हिस्सा बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी वो आगे आके इस सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं, देश की शांति अमन बरकरार करने के लिए इस सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि हिस्सा बने, हमारा तो ओपन सेशन है, इसमें कोई वो रुकावट नहीं है, कोई हमारी फीस नहीं है, कोई डेलीगेशन फी नहीं है, कुछ हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आइए, ये मिशन है। ये सारे लाइव व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि ये जो सेमिनार है कहाँ ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, उसके टाइमिंग्स क्या है? ये हमारा जो सेमिनार है सुबह 9 बजे के करीब शुरू होगा, 1 दिसंबर को इतवार को, और शाम को 4 बजे तक चलेगा। अलग अलग इसमें सेशन होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स को हम यानी बुला रहे हैं, वो अपने विचार देंगे, फिर खुली बहस खुली चर्चा होगी, फिर हम एक हम इसमें डिक्लेरेशन निकालेंगे कि हमारा क्या जो है कि क्या होना चाहिए, वो हमारे डिक्लेरेशन होगा। और ये हम कर रहे हैं दिल्ली में हरकिशन सिंह सुरजीत भवन है, जो कि माता सुंदरी कॉलेज है दिल्ली में, मशहूर कॉलेज है, जो वहां रहते हैं उनको तो पता ही होगा। ये है राउज एवेन्यू, एक जगह है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पास, वहां पर हम करें, इंद्रजीत गुप्ता मार्ग के ऊपर है ये। जी, तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण मित्रा, ENT स्पेशलिस्ट, साथ ही साथ हमारे साथ यंग डॉक्टर जुड़े, डॉक्टर सूरज, जो देश की नहीं विदेशों में भी जिस तरीके से आज सारी सिचुएशन बनी हुई है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ह्यूमैनिटी इंसानियत के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए, कहीं ना कहीं देश की शांति को, देश के अमन को बचाने के लिए डॉक्टर्स आज निकल चुके हैं अपनी बुलंदी से आवाज उठाते हुए। 1 दिसंबर को जी हाँ, एक इंटरनेशनल सेमिनार डॉक्टर्स की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है दिल्ली में। वेन्यू आपको पता चल चुका है, टाइमिंग्स आपको पता चल चुके हैं, तो अभी भी आप इस एनजीओ का हिस्सा बनकर देश की शांति में अपना योगदान दे सकते हैं। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू, थैंक यू सो मच।